देखो नेक्स्ट और आज का टॉपिक, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर से स्टार्ट किया और आप अपने बुकलेट ओपन कर सकते हो पेज नंबर 99, बुकलेट पेज नंबर 99। देखो इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक। और क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज है, तो बहुत सारे चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो बहुत सारे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो टोटल कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ये हमें निकालना है, जो कंडक्टर की फोर्स बननी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये वायर है, लॉजिक ये लगेगा कि इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स निकालेंगे, इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो वायर की फोर्स मानी जाएगी। तो इसके अंदर अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एफ माइनस सी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्रॉस पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी नोन एज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट, कोई डाउट इसमें? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की। मान लो इस पूरे कंडक्टर में एल लेंथ का कंडक्टर है, इसके अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एन है तो टोटल फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो जाएगी, एन इंटू एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स। तो आप इस एफ की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां पुट कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये टोटल फोर्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, इसके लिए स्मॉल एन का मतलब कंसिडर किया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू लेंथ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आके लिख लें, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, साइड पे लिखें, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लिख लो, वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है यहां तक? तो स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस एन की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां पुट कर दें तो इसकी जगह एन ए एल, एन ए एल, तो ये वैल्यू आ गई, एल इज अ वेक्टर, ये टोटल फोर्स की वैल्यू आ गई जब जो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे, कोई डाउट इसमें? अब एक इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वी डी इज आई बाय एन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई इज वी डी इंटू एन ए, लेंथ से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दें और वेक्टर लगा दें, तो एल इज अ वेक्टर, वी डी इज अ वेक्टर, एल इज अ वेक्टर, साइन नेगेटिव लगाना पड़ेगा, रीजन क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहां पे माइनस एन ए एल ई वी डी, माइनस एन ए एल ई वी डी, इसकी जगह रिप्लेस करके ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, आई टाइम्स एल, आई टाइम्स एल फोर्स आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आई इंटू एल क्रॉस पी, कोई डाउट इसमें? तो फोर्स की वैल्यू आई इंटू एल क्रॉस बी, और अगर ओपन करेंगे इसे तो बी आई एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी, ठीक। अब क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो ये स्टेट करता है कि बी, जो फोर्स जो बी है वो फर्स्ट फिंगर बी है, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या करंट, एक ही बात है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज जहां जाता है करंट भी वहीं जाता है, तो ये सेंट्रल फिंगर करंट, तो फोर्स कहां लगेगी, बोर्ड के बाहर। तो रूल क्लियर है, अगर एक करंट कैरिंग वायर में फोर्स निकालनी है तो बी करंट राइट और फोर्स बाहर, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये फॉर्मूला आ गया, अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो का मतलब है कि अगर मान लो
और हाँ, एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेंगे प्लीज ये भी बता दो। एल वेक्टर में अगर मान लो एक वायर है, एक वायर, इस वायर का एल वेक्टर क्या होगा, राइट की लेफ्ट, कैसे डिसाइड करेंगे, जिस तरफ करंट है। अगर करंट राइट है तो एल वेक्टर राइट है, अगर करंट लेफ्ट है तो एल वेक्टर लेफ्ट है। कोई डाउट इसमें? तो अगर मान लो करंट कैरिंग वायर इस तरफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो एल वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या हो गया, जीरो। तो फोर्स एक्सपीरियंस बी आई एल साइन जीरो, दैट इज जीरो। तो करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ी हुई है, मीन्स सेम डायरेक्शन में है, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है, तो अगर एल ऐसे है, बी ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल 90, तो फोर्स बी आई एल साइन 90 इज मैक्सिमम, कितना, बी आई एल। ठीक है यहां तक? तो याद रखना है यहां तक। कोई डाउट है यहां तक?